भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और इस वीडियो में जो है मैं आपको चेरी टिगो 8 प्रो के रिलेटेड जो है बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बहुत सारी जो भी चाइनीज़ प्रोडक्शन गाड़ियाँ हैं जो कि नाउ डेज पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं, जैसा कि रिसेंटली MG हुई है, चेरी टिगो 8 प्रो, और इसके अलावा तो बात करें तो हैवल भी है। इनमें जो है रडार सेंसर जो है फ्रंट बम्पर के लोअर साइड पे दिया जाता है। उस रडार सेंसर के अबाउट जो है रिलेटेड मैं आपको एक अहम इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से बचें और आपके जो है एक्सपेंसिव भी, यू हैव टू सेव दैट ऑल्सो। तो चलो, आज ये चेरी टिगो 8 प्रो है मेरे साथ गाड़ी, और मैं इसके बारे में आपको जो है एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नहीं हैं तो YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें MG एक्सपर्ट के नाम से, लाइक करें और अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से भी इसे शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। और मैं अब आपको बताता हूँ चेरी टिगो 8 प्रो के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर चेरी टिगो 8 प्रो के लोअर बम्पर के नीचे जो है रडार सेंसर दिया गया है। इस रडार सेंसर का प्रॉपर फंक्शन ये है कि ये रोड पे जाता हुआ रोड ट्रैक्स को, रोड को असिस्ट करता है। अगर इसके आगे कोई चीज़ आ जाती है तो ये असिस्ट नहीं कर पाता है, इसकी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ये जो है आपके अंदर डिजिटल मीटर में चेक लाइट भी ऑन कर देता है। और अलावा तरी इसके बात करें तो इसकी जो है चेक लाइट अगर आ जाती है तो वो स्कैनर के साथ हमें उसे क्लियर आउट करवाना पड़ता है, और इसमें आपको जो है एमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लगाएगा, और ना ही आपका रडार क्रूज कंट्रोल जो होता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी काम नहीं करेगा। सो दैट्स वाई दिस इन्फॉर्मेशन यू मस्ट कीप इन योर माइंड, कि ये जो आप देख सकते हैं ऊपर लाइसेंस प्लेट का इन्होंने माउंटिंग दी गई है, ठीक है जी, ये उसके स्क्रूज दिए गए हैं लाइसेंस प्लेट को लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रडार सेंसर है बम्पर के नीचे, और यहाँ पे लगती है लाइसेंस प्लेट, जिसे हम नंबर प्लेट भी बोलते हैं। तो नंबर प्लेट जो है आपकी यहाँ तक आनी चाहिए, अगर इससे नीचे आती है तो नंबर प्लेट अगर रडार सेंसर के आगे आ जाएगी तो वो इसके सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जी। अगर नंबर प्लेट इससे आगे आती है रडार सेंसर को कवर कर देगी, रडार सेंसर जो होगा रोड को असिस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है डिजिटल मीटर के अंदर रडार की जो है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की या फॉरवर्ड क्लियरेंस सिस्टम फॉल्ट ऐसी स्टेटमेंट के साथ एक चेक लाइट ऑन हो जाएगी फ्रंट रडार की, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये नॉलेज जो है आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए, अगर आप लाइसेंस प्लेट को अटैच करते भी हैं बम्पर के साथ तो इस रडार सेंसर की जो है सिस्टम में तो इसे कवर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ओपनली होगा तो ये रोड को जो है प्रॉपरली असिस्ट कर पाएगा। इन द केस ऑफ अगर आप रडार सेंसर के आगे नंबर प्लेट अटैच कर देते हैं तो आपके डिजिटल मीटर में इसकी चेकलाइट भी ऑन हो जाएगी, साथ ही साथ इसका फॉरवर्ड क्लियरेंस सिस्टम जो कि अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी इसका सिस्टम काम नहीं करेगा। सो आई थिंक, सो आई बिलीव दैट दिस इन्फॉर्मेशन शुड मस्ट बी कीप इन योर माइंड। तो ये छोटा सा जो है छोटी चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। इस तरह की चेरी टिगो 8 प्रो है, MG है या हैवल आपके पास है, अगर उसमें रडार सेंसर लोअर साइड पे दिया गया है तो आपको जो है उसकी नंबर प्लेट या लाइसेंस प्लेट अगर आप उसके साथ अटैच करते हैं तो वो रडार सेंसर के आगे नहीं आनी चाहिए। अगर आगे आएगी तो उसके असिस्टेंट में डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा, तो आपके लिए ही ये मसला ये पैदा करेगी गाड़ी। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचते रहें। और इस तरह की वीडियोस को मजीद पाने के लिए आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।